32 साल की उम्र होती है क्या शादी करने की? तुझे क्या लगता है इतना आसान होगा सब कुछ? स्वयंवर होगा तेरे लिए, लड़कों की लाइनें लगी रहेंगी? अरे नहीं होता ऐसा कुछ। और तू अकेली होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तेरे साथ तो तेरी बेटी है। जितना वेट करेगी ना उतना मुश्किल होगा। लोग क्या कहेंगे? खैर लोग कुछ कहें या ना कहें, वैसे भी कितना मुश्किल होता है सब कुछ अकेले मैनेज करना। तेरे पापा जी के जाने के बाद तुझे पता है ना मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी सब कुछ अकेले मैनेज करने के लिए। हर औरत को एक मर्द की जरूरत होती है अपनी जिंदगी में। और मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ मॉम कि मुझे अपने लिए पति की नहीं, अपनी बेटी के लिए एक बाप की जरूरत है। मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी है। तो मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी नहीं हो सकती? मैंने देखा कितनी मुश्किल से तूने अपने आप को संभाला है। और अगर ईरा नहीं होती तो मैं फिर भी समझ सकती थी, लेकिन आज अगर ईरा नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती। इसमें मेरी गलती है क्या मॉम कि शादी से एक दिन पहले राज की एक्सीडेंट में मौत हो गई और मुझ पर जिंदगी भर के लिए अनमैरिड मॉम का स्टेटस लग गया? मैं कब कह रही हूं तेरी गलती है बेटा, लेकिन तो उधर ही अटक गई है, आगे बढ़ी नहीं पा रही है। कम से कम आगे बढ़ और लड़कों को मिल, सारी जिंदगी अनमैरिड मॉम बनकर तो नहीं रह सकती ना। मम्मा आज नानी ऐसे मूड में क्यों है? क्योंकि आज नानी और मम्मा का झगड़ा हो गया। बट आप भी तो कहती हैं कि अपनी मम्मा से कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ईरा ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है मम्मा बीबी में, तू फिक्र मत कर। चल शाम को जब तक वापस आएगी ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिक्र तो नानी को है आपकी, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। अच्छा एक बात बता ईरा, नानी ने तुझे चॉकलेट दे के पटाया ना? बैड गर्ल ईरा, नानी से ब्राइब दी ईरा। ब्राइब नहीं मम्मा, चॉकलेट। सुन हाँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मां मुझे बहुत सारे बच्चों के पेपर्स करेक्ट करने बाकी रह गए, कुछ बहुत अर्जेंट नहीं है तो बाद में देख लूँ प्लीज? नहीं बहुत अर्जेंट है। अरे ये फोटो ना तेरी चाची जी ने भेजी है, और इसका नाम है सुरेश जायसवाल, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तेरी जिंदगी में ईरा है। अच्छा तो मुझे इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि मेरी जिंदगी में मेरी बेटी है, इसके बावजूद मुझे एक मर्द स्वीकार करने को तैयार हो गया? प्लीज यार। क्या प्लीज यार? देख मेरा ये जो फेमिनिज्म और ये वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती है ना, ये सिर्फ फिल्मों में, टीवी में और वो यूट्यूब चैनल जो कंटेंट का कीड़ा टाइप्स है ना उसमें अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी ना कुछ और है, और असल जिंदगी में तू जितनी जल्दी सेटल हो जाएगी ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। मैं आपसे बार बार कह चुकी और मैं बार बार सुन भी चुकी, तुझे ईरा के लिए बाप चाहिए ना, तो वो ईरा के लिए बाप बनने को तैयार है, तो तुझे मिलने में क्या प्रॉब्लम? मॉम प्लीज मैं नहीं। क्या ठीक है मत मिल, तू तो चाहती नहीं है कि मैं चैन से मरूं, जब मैं मरूं तो मेरी आत्मा को शांति मिले, मैं ये सोच सोच के तड़पती रहूं कि मेरी बेटी लाइफ में सेटल नहीं हुई है, मुझे मोक्ष मिले ही ना, मैं तो बस भूतनी हूं। मां प्लीज मेलो ड्रामा, प्लीज मेलो ड्रामा। तुझे ये सब मेलो ड्रामा लगता है? ओके आई एम सॉरी ठीक है मैं लूंगी बस, चलो चलो चलो। अच्छा सुन मैंने ना वो गुप्ता जी के समोसे और वो शर्मा जी की आलू की चाट ऑर्डर कर दी ऑलरेडी। अच्छा तो मुझे पूछे बगैर मुझे बताए बगैर ये सारी तैयारी आप कर चुकी? तो मुझे अपनी एक्ट मतलब अपने कन्विंसिंग पावर पर पूरा यकीन। टू मच मम्मा सच्ची। अच्छा सुन सुन सुन, वो तू वो ऐसे दुपट्टा ओढ़ के वो अदरक वाली चाय बनाएगी ना? कुछ नहीं हो सकता आपका, आपका बस। अरे तेरे जैसी अदरक वाली चाय कोई बना ही नहीं सकता,
और ना मैं तेरा फेवरेट, मतलब मेरा फेवरेट ग्रीन सूट निकाल रही हूँ। माँ प्लीज। मॉम आप इरा को माँ से क्या क्यों छोड़ा है? उसे तो यहाँ होना चाहिए ना। उसे यहाँ रहने की क्या जरूरत है? लड़का तुझे देखने आ रहा है ना, उसे पता है इरा तेरी बेटी है। अरे वो बहुत छोटी है, उसे क्या समझाएगी? मॉम इरा छोटी है लेकिन सब समझती है। अब अगर उसकी जिंदगी में मैं किसी को लाने का सोच रही हूँ तो शी शुड बी हियर ना, शी शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ? पहले तू तो मिल, फिर उसे भी मिलवा देंगे। मॉम लेकिन अरे मेरा दामाद आ गया, तुझे याद है ना? मम्मी पापा नहीं आए जी? उनका पहले से ही वाराणसी जाने का प्लान हो चुका था और उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी तो तुम्हें बितानी है तो पहले तुम मिलाओ, अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें लेके आता हूँ। ये भी सही है, मुझे तो पूरा यकीन है कि आपको हमारी मीरा बहुत अच्छी लगेगी। मीरा, मीरा ये सुरेश जी। नमस्ते। नमस्ते। मीरा की चाय के आगे सब कुछ फीका है, ट्राई कीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाती हूँ। चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। तुम्हारी बेटी नजर नहीं आ रही है। वो आज एक्चुअली अपनी नानी मासी के यहाँ चली गई है। मैं तो चाहती थी कि वो आज यहीं पर रहे। और एक्चुअली गुड शी इजंट हियर। तुम उसे क्या ही कहती? वो कभी अपने पापा के बारे में नहीं पूछती। चाय जी बता रही थी कि तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी और उसके पहले ही तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। तो क्या शादी से पहले? आई एम सॉरी। देखो मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूं, मेरे भी रिलेशनशिप हो चुके हैं। एक्चुअली आई लाइक यू। हमारा फ्यूचर साथ में बन सकता है लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी बेटी है, लेकिन लेकिन शादी के बाद मैं अपने बच्चे चाहता हूँ। और जाहिर सी बात है कि जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो उनमें और तुम्हारी बेटी में फर्क तो रहेगा ना। इट्स अ ह्यूमन नेचर, आखिर अपना खून तो अपना खून होता है। बट ऑफ कोर्स वो तुम्हारी बेटी है तो तुम उसे छोड़ तो नहीं सकती। लेकिन मेरे पास एक सजेशन है, इफ यू वांट हम उसे बोर्डिंग में डाल देते हैं ताकि तुम्हारा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हमारा फ्यूचर भी आगे बढ़ जाएगा। वैसे वो मुझे डैड कह के बुला सकती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या गलत कहा उसने? सब अमीरों के बच्चे जाते हैं बोर्डिंग स्कूल में, हमारी इरा भी चली जाएगी। पर उसने कहा ना कि वो उसे पापा बुला सकती है, तो प्रॉब्लम क्या? पापा बुलाने और पापा बनने में बहुत फर्क होता है। इरा, इरा क्या, इरा क्या हुआ? अरे रोकिए इरा, इरा, इरा मुझे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? पता नहीं रोते रोते आई। इरा, इरा, इरा क्या हो गया बच्चे? क्यों रो रहे हो आप? कुछ हुआ स्कूल में? किसी ने कुछ कहा? गिर गए थे क्या? चोट लग गई? दिखाओ क्या हो गया बेटा, बोलो। बोल बेटा, मम्मा को बता, अच्छा नानी को बता। एक महीने बाद स्कूल में डैडी डांस है, बट मेरे तो डैडी है ही नहीं। आज स्कूल में सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मेरे डैडी क्यों नहीं है? क्यों?
क्या खास है? वही जो सच है, इसके पापा हैं। पर ये तो सच नहीं है। सच तो ये है कि ये बिन बाप की बच्ची है। मेरे आगे तो बहस कर मत, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। देख, मुझे पता है बेटा कि तू और राज बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एक साथ एक घर बनाने के सपने देखे थे तुम दोनों ने। लेकिन सच तो ये है कि अब वो नहीं है। उसे गए हुए पूरे 7 साल हो गए, पर 7 साल काफी समय होता है ना। क्या सोच रही है बेटा? मैं तो बस इतना चाहती हूं कि तुम दोनों को संभालने वाला कोई मिल जाए। मेरी उम्र और कितनी है, मेरे बाद क्या होगा तुम दोनों का? आज इसे स्कूल में एक ताना मिला है, जिंदगी में कितने मुकाम आएंगे? जब उसे ये ताना कितनी बार सुनना पड़ेगा, तब क्या करेगी तुम? इतनी लंबी जिंदगी तेरे आगे, अभी तेरी उम्र ही क्या है, एक बार सोच लेना। और तुझे सुरेश से नई शादी करनी तो कोई बात नहीं, हम कोई और ढूंढ लेंगे, तो एक बार सोच तो सही। जैसे मैं अपनी बेटी के सामने जिद पकड़ कर खड़ी हूं, तो अपनी बेटी के लिए इतना कोशिश नहीं कर सकती? एक बार मम्मा, आप फिक्र मत करो, मैं आगे से नहीं रहूंगी, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। और मुझे पता है मेरे पापा हैं, वो बस एक स्टार बन चुके हैं, लेकिन हैं। और रोज हमें ऊपर से वो हेलो करते। तो आपको मेरे लिए एक डैडी नहीं, अपने लिए कोई जीवन साथी ढूंढने की जरूरत। जैसे आप मेरा ख्याल रखती हो, नानी का ख्याल रखती हो, वैसे ही आपका भी कोई ख्याल रखे। मैं तो बस यही चाहती हूँ मेरे गुड्डू। नानी ने आज फिर चॉकलेट दी ना तुझे? हाँ हीरा घर। नमस्ते। ये मेरी बेटी मीरा और ये उसकी बेटी ईरा। नमस्ते। नमस्ते ईरा। बेटा नमस्ते कर। नमस्ते। नमस्ते ईरा, आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? अरे ये क्या है? ये देखो। वाह मैजिक ट्रिक। अरे वाह, आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। जी अच्छा ईरा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। मेरा एक फोन आ रहा है, लेना पड़ेगा, जरूरी है। प्लीज गो अहेड, मैं हूँ ना, आप कॉल अटेंड कीजिए। मेरे पास आपके लिए और मैजिक ट्रिक्स हैं। बैठो या नहीं, या बैठो। आओ आओ। नहीं मुझे नहीं बैठना। नो नो मींस नो। ईरा बेटा बंद करो, गो प्ले विद योर टॉयज। छोड़ो, मैंने क्या किया? पागल हुई हो क्या? इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही है? तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें क्या लगता है पूरी जिंदगी ऐसी बिता लोगी? अनमैरिड मॉम बनके रहने का शौक है तुम्हें? शक्ल देख, ऊंट जैसी दिखती है।
तुझे क्या लगता है इतना आसान है? मर्द के बिना औरत की कोई गत नहीं है, समझाओ इसे। कुत्ते कमीने साले, क्या कहा? समझाओ इसे। मुझे तो लगता है तुझे समझाने की जरूरत है। तो जैसे को अपनी बेटी देने से पहले मैं तुझे मार डालूं तेरा गला घोट के। बस बहुत हो चुका, थक गई हैं हम औरतें तुम जैसे मर्दों से जज होते हुए। थक गई हैं ये सोच सोच कर कि शादी करें या ना करें, बच्चा पैदा करें या ना करें, शादी करें बच्चा पैदा करें तो काम करें या ना करें, काम करें तो बच्चा कैसे संभाले, बच्चा संभाले या काम संभाले, ये सब सोच सोच कर दुखी हो गए हम। पतली है तो प्रॉब्लम, मोटी है तो प्रॉब्लम। अगर जिंदगी में तुम्हें प्यार देना चाहे तो चेप हो रही है, एम्बिशियस है तो इसे किसी का ख्याल ही नहीं है। अगर अनमैरिड मॉम है तो बच्चलन है, और अगर डिवोर्सी है तो जरूर गलती इसी की होगी। जिंदगी में अगर कुछ करना चाहती है तो एम्बिशियस है, अगर घर बैठना चाहती है तो इसके तो कोई गोल्स ही नहीं है। किसी हाल में तो छोड़ दो। और क्या कहा तुमने, कैसे संभालेगी ये सब कुछ? अरे कौन सा मर्द इसके साथ था जब ये अकेली अपनी बेटी को गोद में लेकर दौड़ी थी अस्पताल? और कौन था इसके साथ जब ये अपने बेटे की एडमिशन कराने गई थी? बिल्कुल अकेली थी और सब कुछ अच्छी तरह संभाला था इसने। अरे मेरी गलती थी जो मुझे लगा कि मेरी बेटी को एक मर्द की जरूरत है। नहीं है, नहीं है इसे तुझ जैसे मर्द की जरूरत, तुझ जैसे कि तुम बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुझ जैसे मर्द के हवाले अपनी बेटी करने से तो अच्छा है मेरी बेटी एक अनमैरिड मॉम बन कर रहे। क्या कहता है, मर्द के बगैर औरत की कोई गत नहीं? तो जैसे को अगर मैंने जेल में ना डलवाया ना तो मैं अपनी बेटी की मां नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी शादी के चक्कर में मैं ये भूल ही गई, मैंने देखा ही नहीं कि मैं किस तरीके का मर्द इस घर के अंदर लेकर आ रही हूँ। हाँ बेटा, आज मेरे घर नीरू को इतनी तकलीफ हुई। मुझे कुछ नहीं हुआ है, आज क्या दिन था, हम सब ने मिलकर एक आदमी को धक्का दिया और नानी ने तो उसको चपेड़ी मार दी और फिर पुलिस मैडम ने क्या धुलाई की, उसकी मजा ही आ गया। हेलो मॉम, आई एम सॉरी, मुझे डैडी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो आप ही डैडी हो, आप ही मॉम हो। वुमन पावर, वुमन पावर। सब लड़के एक जैसे नहीं होते, और हाँ जिंदगी में माँ और बाप दोनों जरूरी होते हैं। हाँ लेकिन इतने जरूरी भी नहीं कि आप इसके लिए अपनी अपने बच्चों की जिंदगी खराब कर लें। शादी जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है। और हाँ लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग तो सब्सक्राइब करेंगे। सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू कंटेंट का कीड़ा।